देश में मनाए गए 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए ये कहा था कि पिछले कई दिनों से खबर मिली है, मणिपुर में अब एक बार फिर से शांति देखी जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार लगातार मणिपुर की स्थिति को लेकर गंभीर है। राज्य में लोग शांति चाहते हैं, इस दिशा में मणिपुर अब आगे बढ़ रहा है, तो लोगों में एक उम्मीद जगी कि जिस मणिपुर में 3 महीने से अधिक समय तक हिंसा अब तक शांत नहीं हो सकी है, तो ऐसे में हो सकता है पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं मणिपुर में शांति बहाल हो रही है, तो उनकी इस बात पर विश्वास किया जा सकता है। आप भी सुनिए मणिपुर को लेकर 15 अगस्त को क्या कुछ बोले थे पीएम मोदी। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। हालांकि पीएम मोदी की इन बातों को एक बार फिर से मणिपुर में उपद्रवियों ने झूठा साबित कर दिया है। मणिपुर में 3 मई से मैतई और कुकी समुदाय के बीच तनाव को लेकर बढ़की हिंसा अब तक शांत नहीं हो सकी है। राज्य में हिंसा के कारण 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। मणिपुर हिंसा का शोर सदन के दोनों सदनों से लेकर कई राज्यों की विधानसभा में भी सुनाई दे रहा है। इसके बावजूद राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में अब तक कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर की उखरुल जिले में आज सुबह हथियार से लैस बदमाशों ने 3 ग्राम रक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार यह घटना उखरुल जिले से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित कुकी आदिवासियों के गांव थोवई कुकी में सुबह 4:30 बजे के आसपास हुई है, जहां नागा जनजाति तांगखोल का प्रभुत्व है। राज्य में सेना और पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बावजूद खुलेआम हुई गोलीबारी में 3 लोगों की हत्या हो गई। इस पर पुलिस का कहना है कि हथियारबंद बदमाशों के एक समूह ने पहाड़ियों से आकर गांव में ग्राम सेवकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस और सेना के जवानों की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 5 अगस्त को विष्णुपुर और चोराचांदपुर जिले में 2 समुदायों के बीच हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 3 मैतई और 2 कुकी समुदाय के लोग शामिल थे, जबकि मणिपुर में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटी सरकार की ओर से 40,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों को राज्य में तैनात किया गया है। इसके साथ ही यहां पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, जिससे हालात को कंट्रोल किया जा सके। बावजूद इसके मणिपुर के अलग अलग जिलों से आए दिन ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। राज्य में हालात कब कंट्रोल में आएंगे, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार जरूर इस बात का दावा कर रही है कि मणिपुर में हालात पहले से कुछ बेहतर हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।